गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग महाभारत पढ़ेंगे, ठीक है? महाभारत में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं, याद है किसी को? बताओ, बताइए, महाभारत में कहाँ तक पढ़े हैं? क्या चल रहा था? हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? चैप्टर 8 है हमारा, द्रोणाचार्य। आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। पंचाल नरेश का पुत्र द्रौपद भी द्रोण के साथ ही भरद्वाज आश्रम में शिक्षा पा रहा था। दोनों में गहरी मित्रता थी। कभी कभी राजकुमार द्रौपद उत्साह में आकर दौड़ से यहाँ तक कह देता था कि पंचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज तुम्हें दे दूंगा। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया। उससे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे। द्रोण बड़े गरीब थे, वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों को बांट रहे हैं, तो भागे भागे उनके पास गए। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति वितरित कर चुके थे और वन गमन की तैयारी कर रहे थे। द्रोण को देखकर वहां बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब यह मेरा शरीर धनुर्विद्या ही है, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सीखने की प्रार्थना की। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दे दी। कुछ समय बाद राजकुमार द्रौपद के पिता का देहावसान हो गया। द्रौपद राजगद्दी पर बैठा। द्रोणाचार्य को जब द्रौपद के पंचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो यह सुनकर वह बड़े बड़े प्रसन्न हुए और राजा द्रौपद से मिलने पंचाल देश को चल पड़े। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रौपद के लड़कपन में की गई बातचीत याद थी। सोचा, यदि आधा राज ना भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो जरूर ही देगा। यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रौपद के पास पहुंचे और बोले, मित्र द्रौपद, मुझे पहचानते हो ना, तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। ऐश्वर्य के मद में मत हुए राजा द्रौपद को द्रोणाचार्य को आना बुरा लगा और द्रोण का अपने साथ मित्र का व्यवहार करना तो और भी अखड़ा। वह द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार अच्छा नहीं, मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ? सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है? तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा उसके आधार पर तुम द्रौपद से मित्रता का दावा करने लगे। दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है? मित्रता बराबरी की हैसियत वालों से में ही होती है। जो किसी राज का स्वामी ना हो वह राजा का मित्र कभी ना हो सकता। द्रौपद की इन कठोर बात को सुनकर द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें क्रोध भी बहुत आया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूंगा। वह हस्तिनापुर पहुंचे और वह अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य को यह गुप्त रूप से रहने लगे।
एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे। इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। युधिष्ठिर उसको निकालने का प्रयत्न करने लगे तो उनकी अंगूठी भी कुएं में गिर पड़ी। तभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता था। एक कृष्णवर्ण का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ यह सब चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों बोलो मैं गेंद निकाल दूं, तुम मुझे क्या दोगे? ब्राह्मण से आप गेंद निकाल देंगे तो कृपा चाह के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सीख उठा ली और उसे पानी में फेंका। सीख गेंद को ऐसे जाकर लगी जैसे तीर और फिर इस तरह लगातार कई सीखे वे कुएं में डालता गया। सीखे एक दूसरे के सिरे से चिपकती हुई। जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। सब राजकुमार आश्चर्य से यह करतब देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की, युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज्यादा अचरज हुआ। ठीक उन्होंने द्रोण के आगे आदर पूर्वक सिर नवाया, हाथ जोड़ कर पूछा, महाराज हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए, हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं, हमें आपकी सेवा क्या कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। द्रोण ने कहा, राजकुमारों यह सारी घटना सुनकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय प्राप्त कर लेना। राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई तो भीष्म ताड़ गए कि हो ना हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही रहोंगे। यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों की अस्त्र शस्त्र की शिक्षा द्रोणाचार्य के हाथों ही पूरी कराई जाए। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया है वे गुरु द्रोण से धनुर्विद्या सीखा करें। कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पंचाल राज द्रौपदी को कैद करने के लिए कहा। उनकी आज्ञा अनुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रौपदी के राज पर धावा बोला कि पराक्रमी द्रौपदी के आगे वो ठहर ना सके, हार कर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पंचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रौपदी को उनकी मंत्री सहित कैद करके आश्चर्य के सामने ला खड़ा किया। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रौपदी से कहा, हे वीर डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति आशंका ना करो। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, साथ साथ खेले कूदे उठे बैठे, बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद में आकर तुम्हें मुझे भूल गए, मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा का के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज छीनना पड़ा, परंतु मैं तो तुम्हारा साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज तुम्हें वापस लौटा देता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें राज चाहिए ना। मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में ही होती है। द्रोणाचार्य ने इस अपने अपमान का काफी बदला समझा और उन्हें द्रौपदी को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। इस प्रकार राजा द्रौपदी का गर्व चूर हो गया, लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं हुई। किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती उसे सहन करना बड़ा कठिन होता है। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रौपदी के जीवन का लक्ष्य बन गई। उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना के लिए किए कि इसका एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को बिहाई जा सके। आखिर उसकी कामना पूरी हुई। उसके दृष्टिभुमन नामन एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या। आगे चलकर कुरुक्षेत्र भूमि में अजय द्रोणाचार्य इसी दृष्टिभुमन के हाथों मारे गए थे।
तो समझ में आया आप लोगों को? तो इसमें यही था कि द्रौपदी द्रोणाचार्य दोनों मित्र थे। तो क्या होता है कि द्रौपदी बहुत बड़े राजा बन जाते हैं और द्रोणाचार्य गरीब रहते हैं। तो द्रोणाचार्य धीरे धीरे अपने धनुर्विद्या सीख के अस्त्र शस्त्र अपना सीख के सारे चीजों को वो बलपूर्वक एक राज को अपना जो हस्तिनापुर का राज था उसको छीन लेते हैं। क्यों? क्योंकि द्रौपदी से वो युद्ध करते हैं तो उसमें वो जीत जाते हैं। फिर द्रौपदी को वो चीज समझाते हैं कि आपने कहा था कि हैसियत वालों में ही मित्रता होती है तो इसलिए मैंने ये चीज किया। लेकिन द्रौपदी का जो बदला लिया था उसने उसके मन में बात रह गई थी। तब उसी का बदला लेने के लिए द्रौपदी ने यह तप व्रत किया कि इसका एक लड़का हो जो इसके हाथों ही मारा जाओ, इनकी एक लड़की हो जो इनका इनके बेटे से विवाह करे। तो समझ में आ गया? ठीक है, चलिए फिर 9th चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, यस मैम।